ये है दरभंगा एयरपोर्ट। यहाँ अक्सर सुविधाओं के घोर अभाव को लेकर बातें होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में कोई खासी कमी नहीं होती। अब इस हवाई अड्डे ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दरभंगा हवाई अड्डा न सिर्फ उड़ान योजना में देश का नंबर वन हवाई अड्डा फिर से बना, बल्कि कमाई के मामले में भी बिहार के पटना और गया हवाई अड्डे को पीछे छोड़कर बिहार का इकलौता मुनाफा देने वाला हवाई अड्डा बन गया। दरभंगा हवाई अड्डे के इस कीर्तिमान पर खुशी जाहिर करते हुए यहां के डायरेक्टर सत्येंद्र झा ने मिथिला के लोगों के साथ साथ सभी यात्रियों को धन्यवाद दिया और कहा कि यात्रियों की संख्या और उड़ान भरने वाले हवाई जहाजों की संख्या के अनुपात से निकाले गए आंकड़े के बाद ये कीर्तिमान दरभंगा हवाई अड्डे को मिला है। नवम्बर 2020 से जब चालू हुआ था तो उस समय से पैसेंजर मूवमेंट और फ्लाइट मूवमेंट दोनों में बढ़ोतरी है। 22-23 में किन्हीं वजह से कुछ पैसेंजर मूवमेंट और फ्लाइट मूवमेंट कमी रही है, क्योंकि एयरक्राफ्ट मूवमेंट स्पाइस जेट की कम रही हैं, इस वजह से। अदरवाइज आप देखें 21-22 में छठ के टाइम पे करीब 19 से 20 मूवमेंट्स रहा करती थी, जो कि आज घट के करीब 11-12 रह गई हैं। तो जैसा सर बताया जा रहा था कि उड़ान योजना में दरभंगा हवाई अड्डा देश भर में पहले स्थान पर है, आज भी वो कायम है या फिर कुछ इसमें परिवर्तन? जी, ये गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज भी दरभंगा एयरपोर्ट RCS नंबर वन स्टेशन है। एक अलग सवाल सर कि बिहार में 3 एयरपोर्ट हैं जी, 2 लॉस में जा रहे हैं, दरभंगा एयरपोर्ट बेनिफिट में जा रही है, ये सूचना पिछली बार आई थी, क्या इस बार भी ये कंटिन्यू है या कुछ में कुछ फिर बदल हुआ? जी, इस बार भी पटना एयरपोर्ट और गया एयरपोर्ट लॉस मेकिंग एयरपोर्ट में ही की कैटेगरी में ही है और दरभंगा एयरपोर्ट प्रॉफिट मेकिंग है। ये गर्व की बात है, ये बहुत ही गर्व की बात है। ऐसा है कि 2000 जब एयरपोर्ट चालू हुआ था नवंबर 2020 में, तो 2021 में हमारे पास टोटल मूवमेंट रही हैं 153,000 की, टोटल पैसेंजर मूवमेंट रही हैं 153,000, जो कि बढ़ के 2021-22 में 619,000 हो गई हैं, और 22-23 में मोर और लेस उतना ही है, 617,000 के आसपास हैं जो कि पैसेंजर मूवमेंट रही है। और जहाँ तक फ्लाइट मूवमेंट की बात है, 2020-21 में 940 रही हैं, 21-22 में 4,346 एवं 22-23 में 4,162 रही हैं। साल 2020-21 में कुल 940 विमानों की संख्या रही, जिसमें कुल 153,000 यात्रियों ने सफर किया, जबकि साल 2021-22 में कुल विमानों की संख्या 4,346 थी, जिसमें 619,000 यात्रियों ने सफर किया। इसके अलावा साल 2022-23 में 4,162 विमान की संख्या रही, जिसमें 617,000 यात्रियों ने सफर किया। 8 नवंबर 2020 में उड़ान योजना स्कीम के तहत दरभंगा हवाई अड्डे की शुरुआत की गई थी और कम समय में ही दरभंगा हवाई अड्डे ने अपनी अलग पहचान देश भर में बना ली। इस कीर्तिमान के बाद यात्रियों को उम्मीद है कि यहां जिन सुविधाओं का फिलहाल अभाव है वो भी जल्दी ही मिल जाएंगी और यहां से आने जाने वालों के लिए सफर और ज्यादा बेहतर हो जाएगा।